हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस और एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट फेल कैसे होते हैं या फिर ब्रेकआउट कब आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये फेल हो रहा है या फिर आपको कब ब्रेकआउट में ट्रेड लेना चाहिए। ये सारे पॉइंट एक नए फ्रेशर ट्रेडर और फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे ट्रेडर ब्रेकआउट में ले तो लेते हैं लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। कौन से टाइम पे होता है, क्यों आपको ये देखना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया, आपके सोशल मीडिया में हो गया, सो दैट कि नहीं अवेयरनेस फैले कि नहीं हाँ ये सारी चीजें लॉजिकली आप कर सकते हैं। देखिए 100% कभी कोई राइट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको एक स्टॉप लॉस बचा सकता है। लेकिन आप जब भी करेक्ट होंगे यू विल गोइंग टू मेक बिग मनी। जब भी आपका लॉस होगा डेफिनेटली इट विल बी हिट योर स्टॉप लॉस, आपका हिट होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रेकआउट क्या होता है, पहले ये समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। सिंपल वे में मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेट्स से मार्केट आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये ब्रेक कर रहा है लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं है वो ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है, फिर रिवर्स हो जाने वाला है। ध्यान से ये लाइन सुनिए, मैं आप वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इनिशियली एक लाइन आप सुने होंगे मार्केट में, मार्केट स्टार्ट बाय एमेच्योर या फिर नोवेस ट्रेडर, मार्केट क्लोज बाय प्रोफेशनल। मार्केट क्लोज बाय प्रोफेशनल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा हुए है, जब भी किसी का एनालिसिस आप सुनते हैं आपको ध्यान में ये पॉइंट वो बोलते हैं, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे तो फिर आप बाय कर सकते हैं। ये लाइन आपको समझ में आता है, क्लोजिंग अगर इसके ऊपर ये लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही बाय कीजिए। इसका मतलब हमेशा क्लोजिंग प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ओपनिंग प्राइस। ओपन प्राइस कहाँ हो रहा है आप ट्रेड लेने के लिए डिसाइड करेंगे, क्लोजिंग कहाँ हो रहा है वो मार्केट डिसाइड करेगा। इसका मतलब जो बड़े प्लेयर हमेशा होते हैं, आपको भी पता है 12:30 1:30 के बाद बड़े प्लेयर जब ट्रेड करते हैं उन लोग चाहते हैं मार्केट को एक सर्टेन लेवल पर क्लोज करें, सो दैट एक मार्केट में प्रोस्पेक्टिव बना रहा है, ट्रेंड बना रहा है मार्केट के अंदर। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, इसीलिए ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर लाखों पैसा खर्चा करोगे तो भी ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है आपको मैं बता रहा हूं, इसीलिए ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। जब भी 9:15 से लेकर 12:00 को कोई ब्रेकआउट देता है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन कुछ भी ब्रेकआउट देता है, दे आर मोस्टली गोइंग टू फेल। वो 100% में ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वो फेल करेंगे, बट मोस्टली दे आर गोइंग टू फेल। जो ब्रेकआउट 1:30 से लेकर 3:30 के बीच में देता है या लेटर हाफ सेकेंड हाफ में मार्केट में देता है वो ब्रेकआउट जनरली काम करते हैं। ये जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको याद होगा एमेच्योर हमेशा ये ध्यान रखते हैं हाँ ये 300 का लेवल था, रेजिस्टेंस था, क्रॉस हुआ है तो मॉर्निंग आवर में ही बाय करके रख लेते हैं और सेकंड वो पोजिशनली प्लान कर लेते हैं और सेकंड फिर वो आके रिवर्स हो जाता है थोड़ी देर के बाद ना वो लेवल रहा तो ये फेल ब्रेकआउट। हमेशा जितने भी फेल ब्रेकआउट होते हैं मैक्सिमम टाइम ये मॉर्निंग आवर में होते हैं। इसका मतलब मॉर्निंग आवर में जितना ब्रेकआउट हो रहा है उसको आप ब्रेकआउट की तरह मतलब ट्रेड भले ले रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ लो, बड़े प्लान मत करो कि नहीं पोजिशनल इन्वेस्टिंग के लिए बन गया। लेकिन जो ब्रेकआउट क्लोजिंग टाइम पे दिया है इन द सेंस 1:30 से लेकर 3:30 इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस भी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है तो आप उसको ले सकते हो। इसी तरीके से आप समझ सकते हो ब्रेकआउट कैसे ट्रेड किया जाता है, आने वाले टाइम में एक या दो वीक के बाद में ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जितने लोग मेरे अंडर फायर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये मंथ से जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को मैं सेपरेट एक वीडियो भेजूंगा ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड किया जाता है जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है डेफिनेटली। अगर आप ब्रेकआउट समझ जाएंगे, ब्रेकआउट फेल होना समझ जाएंगे, कौन से पॉइंट में ट्रेड लेना आपको अगर समझ में आ गया तो ये जो ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है ये आप देखे होंगे तो इसके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाता है। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, सीखने मिला है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। जो ये वीडियो का टिप था मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं अगर आपको ब्रेकआउट फेल मैक्सिमम टाइम 9:30 से लेकर 12 को बीच में अगर कोई ब्रेकआउट दिया है और वो फेल हो रहा है तो वो फेल ब्रेकआउट मोस्टली 9:15 टू लेकर 12:00 तक रहता है। अगर कोई सेकेंड आप में ब्रेकआउट देता है वो मोस्टली वर्क करता है, स्टिल आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है क्योंकि देयर इज नो 100% गारंटी सेटअप होता है, इसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आप 70-80% ऑलरेडी सही जगह पे हो, लॉजिक आपको समझ में आ गया क्यों होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।